राजस्थान में कोरोना का कहर, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 413 हुई। कोरोना से प्रदेश में सातवीं मौत, जोधपुर में 75 वर्षीय बुजुर्गों की कोरोना से मौत हुई। आज 30 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, झुंझुनू में 7, टोंक में 7, झालावाड़ में 7, जैसलमेर में 5, बांसवाड़ा में 2, जोधपुर में 1 और बाड़मेर में 1 पॉजिटिव मिला। बाड़मेर में पहली बार कोरोना पॉजिटिव सामने आया। आज 30 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए और प्रदेश में सातवीं मौत, जोधपुर में मथुरादास माथुर अस्पताल में 75 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा। उनकी मौत के बाद उनकी रिपोर्ट आई जो कि पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद तमाम अस्पताल का जो प्रशासन जो उनकी देखरेख कर रहा था, साथ ही उनके परिजन और जो भी मिलने वाले उनसे थे, उनके स्क्रीनिंग के तमाम इंतजाम किए गए हैं। लिस्ट बनाकर तमाम प्रिकॉशंस आगे रखे जा रहे हैं क्योंकि बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अस्पताल पहुंचने के 2 घंटे बाद ही इन बुजुर्ग व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पूना से ये लौटे थे, सिम्टम्स इनके कोरोना के जैसे ही पाए गए, उसके बाद इनके कोरोना की जांच हुई। हालांकि अन्य बीमारियों ने भी इन्हें जकड़ रखा था, लेकिन रिपोर्ट आती उससे पहले इन्होंने दम तोड़ दिया। सातवीं मौत प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते और लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा, साथ ही राज्य सरकार के द्वारा भी उन लोगों तक राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं जो बहुत जरूरतमंद हैं, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। जो जरूरतमंद है उनकी हर सहायता की जाएगी, हर संभव मदद उनकी की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुट चुके हैं। जी सुजीत, फिलहाल झुंझुनू में क्या माहौल देखिए? लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव वहां से सामने आ रहे हैं, नवलगढ़ से भी कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी मनीषा, बिल्कुल, झुंझुनू में एक एक करके करीब 31 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि सबसे बड़ी खबर जो कल सामने आई है, कल एक साथ 7 पॉजिटिव जो सामने आए हैं, जिसमें नवलगढ़ के भी पॉजिटिव केस शामिल है और केरू, नवलगढ़ के पास स्थित केरू के भी उसमें पॉजिटिव केस शामिल है। उसी के साथ साथ गुटा गुर्जी में भी पॉजिटिव केस मिले हैं। मिलने के बाद प्रशासन पूरा हरकत में आ गया और झुंझुनू सहित आसपास के इलाकों में जैसे नवलगढ़, गुटा गुर्जी, केरू, इन साइडों के अंदर जिला कलेक्टर यूडी खान ने कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी बिल्कुल सुजी, देखिए यूटी खान जी ने ये भी आदेश दिए हैं कि जब आप जरूरतमंदों तक खाना या राहत सामग्री पहुंचाएं तो फोटोग्राफी और सेल्फी पे भी रोक लगा दी गई है। जी मनीषा बिल्कुल, झुंझुनू जिला कलेक्टर यूटी खान ने ये एक आदेश जारी किया है जिसके अंदर राहत सामग्री पहुंचाने वालों पर जो फोटो लेके अपलोड करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, इन पे अपनी अपनी साइटों पे जो फोटो अपलोड करते हैं उनके ऊपर भी जिला कलेक्टर यूटी खान ने रोक लगा दी गई। देखने वाली बात ये होती है कि कई भमासा ऐसे भी होते हैं जो एक दो कैरी बैग बांटते हैं और अपनी फोटो सारे अपलोड कर देते हैं, इसी को लेकर लोग शर्मनाक बात बताते हैं। इसी को लेकर जिला कलेक्टर ने ये एक आदेश पारित किया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो भी राहत सामग्री वितरित करेगा उसकी ना तो कोई फोटो लेगा और ना ही कहाँ पे कहीं पे भी अपलोड करेगा। बिल्कुल सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें देखिए लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बाड़मेर में भी पहली बार कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुका है। जिन जिन जगहों को सेफ माना जा रहा था, सेफ जोन में जो स्थान थे, वहां से भी अब कोरोना पॉजिटिव सामने आने लगे हैं और सातवीं मौत प्रदेश में कोरोना से हो चुकी है। आज 30 नए मामले सामने आए, जोधपुर में 75 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई। हालांकि उनके मौत के बाद रिपोर्ट आई और जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, साथ ही अस्पताल में जो स्टाफ उनकी निगरानी रख रहा था, जिनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, उनके लिए भी फिलहाल तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए जैसलमेर से योगेश गज्जा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, बताएं क्या इंतजाम जैसलमेर में किए गए हैं? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से जैसलमेर के पोखर में जो कोरोना पॉजिटिव मामले दिन में दिन बढ़ रहे हैं, जी आज भी 5 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 3 दिनों में कुल 19 मामले हो गए हैं। जी बिल्कुल, गुरुवार को। हाँ जी योगेश, ये बताएं कि जो पॉजिटिव लोग आए हैं उनके परिजन, उनके रिश्तेदार जो हैं, उनके लिए किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कोई भी बाकी ना रहे स्क्रीनिंग से।
जहाँ जो भी ये पॉजिटिव आए हैं, जो प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी उनकी हिस्ट्री तैयार कर रहा है जी। और वो किस किस से मिले थे और कहाँ कहाँ गए थे, तो उन सबको भी आइसोलेट किया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ती है तो उनको क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। तो इस मामले में प्रशासन अभी अच्छी तरह से मुस्तैद है, पूरा कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और घर घर राशन पानी की व्यवस्था भी की जा रही है जी। और कुछ जमात से जुड़े लोग पोकड़ में रह के गए थे, उनकी वजह से अब ये मामले बढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रशासन अभी पूरी नजर बनाई हुए है। बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार चिकित्सा विभाग प्रयासरत है, सरकार लगातार प्रयासरत है, लोगों की मदद भी की जा रही है, जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और साथ ही चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से स्थिति को नियंत्रित किया जाए।